हेलो फ्रेंड्स मु रश्मिरंजन आपण स्वागत जनाऊे आपर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम को आज भिडियो रही टार्गेट 20,000 जूनियर टीचर निजुक्ति को लेकिन इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन जोटा कि उसेवा तरफ आसी तो कौन अच्छी ना यही मस शेष सुधा आपर जेटीएस रन में क्वेश्चन थी के रिजल्ट तो आज पेपर आर्टिकल आसी जाइए आपे भी देखी सारे बहुत जन ये मस शेष सुधा आपंकर रिजल्ट आसो फाइनाल एसेंस किए आसता सहित आपंकर नॉर्मलाइजेशन स्कोर के नॉर्मलाइजेशन अनुसार के मार्क रखिंट से आसीजर नेक्स्ट प्रोसेस कौन तापर कौन रपर वेरिफिकेशन के कौन डिटेल्स रही स्टेप बै स्टेप प्रोसेस देखा जनवरी शेष सुधा आपर प्रक्रिया सरवाई जाऊँगी जो जेटीएस नियुक्ति प्रक्रिया तो से विषय भी डिटेल्स वीडियो आज आम डिस्कशन करवा तो चलो तो लेट नक वीडियो को स्टार्ट करना तो ये पर्यटन जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनीयर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु कहीं सब नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथम आपने टेलीग्राम पाइबे सहित जो क्लासेस चली क्लासेस वर्तमान पर जोटा कि बंद अच्छी किसी जोटा कि प्रॉब्लम वशत क्लास हो नाला वर्तमान सुधा मु कंप्लीट फ्री अच्छे क्लास आपर कंटिन्यू रस टे देह प्राई जोटा कि क्लास प्रॉब्लम रही है कि दिन दुई दिन भितर आपर क्लास रेगुलरली चलो वर्तमान क्लास आपर स्पेशली एलटीआर और एसएसपी आपर क्लास रहा सहित ओएसटीडी क्लास बर्तमान रो ओटीडी नोटिफिकेशन आसे ओटीडी चलो तो बर्तमान क्लास दिन दुई दिन भितर यह सब क्लास आपर स्टार्ट हो जाऊँच तो नुआ वर्ष जोटा कि आपर आसूँ नुआ वर्ष पाखर आपति गोटे प्रमिज करेंगे पढ़ापढ़ी कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपर पढ़ारे कि कमी रही जाए तो आम से रिकवर करदे 2024 आम नि जब्रे रही है ये भाविक पढ़ापढ़ी आप कंटिन्यू करेंगे तो जी आज नोटिफिकेशन विषय डिस्कसन करवा पेपर आर्टिकल आज आसी जा भी आपर यस भितर आसी जाऊल्ट ता सहित जानवर भितर आपर प्रोसेस सरीज पेपर आर्टिकल से कथा आसी जाइए देखते खूब शीघ्र जेटीएस फल प्रकाश राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िक खाली पड़ता शिक्षक पद जोटा कि पदर 20,000 पदर कनिष्ठ शिक्षक जोटा कि जेटीएस स्कीमाटिक कथा आसी पूरण उसेवा पक्षर विज्ञप्ति आसी नवेम्बर 17 आपर एग्जाम सरी जा एक उत्तर प्रकाश करीक्षा फल चलित मस शेष सुधा प्रकाश पाइबार संभावना रही है फल प्रकाश में ओसेपा तरफ समस्त प्रक्रिया शेष होता जना पड़े मुझको काली भी कही कि 20 तारीख आपर ओरिएंटेशन थिला हाईस्कल एसब को किए बुझुला ना सेम ओसेपा आपर बुझुला ओसेपारे काउनसलींग होता ओसेपा वेबसाइट सब किसी होता से आपर डिले मस शेष सुधा आपण मानकर परीक्षा फल आसीज माने परीक्षा फल माने कौन आसान मन में डाउट ना आपर प्रोविजनल रेस्पन्स कि आपने देखी थे कौटा कौन किसी चेंजेस हो सारापर फाइनाल रेस्पन्स कि आपर आसत आपण मानकर नर्मालाइजेसन मार्क आसो आपण मैंने ये मार्क रखिंट धरत गोटे पिला 165 रखी तो नर्मालाइजेसन तार जब हार्ड सिफ्ट थी तो मार्क दुई तीन मार्क बढ़िक तार मार्क हो 167 हम जार इजी सिफ्ट जदि 165 जन रखी मार्क किसी कमी जाए कि 160 संभावना रही है यही आपर नर्मालाइजेसन मार्क तो डिटेल्स आपर आसीज नर्मालाइजेसन मार्क अनुसार आपर मेरीट लिस्ट तैयारी हम नर्मालाइजेसन मार्क हो सारापर ना मेरीट लिस्ट 20,000 जो पिला परीक्षा दे 10,000 प्राइमेर दे तो से अनुसार आपर मेरीट लिस्ट फास्ट टू लास्ट पर्यंत 20,000 बा 10,000 पिला सजाई दिज्व य टाइप डिटेल्स आपर आसो मुझे भी कहीदेवी स्टेप बै स्टेप तो ये क्लीयरली लिखा जा परीक्षा फल यही मस शेष सुधा आपर प्रकाश हबार संभावना रही तो होप फर बेस्ट समस्त सिलेक्शन हो जाऊ तो सिलेक्शन प्रोसीजर विषय आम टे बुझा कौन कौन डिटेल्स रही सर्वप्रथम आम फर्म आप्लाय करते फर्म आप्लाय पर ये जो मास्टर लिस्ट पब्लीश हो जानी सब जो 10,000 प्राइमेर 10,000 अपर प्राइमेर जो आप्लाय करतु मो ना रश्मि रंजन तो मुझे आप्लाय करो डिस्ट्रिक्ट ना ये डिस्ट्रिक्ट आप्लाय कर जनक ना एक्स तो सी ये डिस्ट्रिक्ट आप्लाय कर मास्टर लिस्ट आ अलरेडी देखी सारी तापर आम कौन करते ना एग्जाम दे नवेम्बर 3 रु नवेम्बर 17 पर्यंत एग्जाम आपर चलता वर्तमान स्टेज आम यगर रही तो एग्जाम सरीगला आपण मूँ प्रोविजनल एसेंस के आसला
तापर फाइनल रिजल्ट आसीबो फाइनल रिजल्ट आसी साला परे जोटा के नॉर्मलाइजेशन मार्क आपण मन कर बे आसी जीवो आसी गला परे एटी आसीला नेक्स्ट स्टेप कोन एटी अछि ना डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट एई जको आपण माने भाबु छथि कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन आपण मन कर हबो देखन तो एई जो सिलेक्शन प्रोसीजर ना डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट म आपण मन को कहि छी एई जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेट सिलेक्शन नो स्टेट सिलेक्शन टू डिफरेंट आपण माने जाय कि जते बेर उसे बारे पचाउ जोंदी एटा स्टेट सिलेक्शन ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एटा कंप्लीटली भूल ही आपण माने पचाउ जोंदी सिलेक्शन प्रोसीजर केमथि हबो ना स्टेट मेरिट अनुसार हबो किंतु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हबो कौन से सर बुझेलानी ना धरंतु प्राइमरी पई बा अपर प्राइमरी पई सीट अछि केते आपण मानकर 10000 सीट अछि अप्लाई कर चंदी केते जन ना अप्लाई कर चंदी 46000 10000 सीट पे 46000 अप्लाई कर चंदी सी आगे कौन करिवे ना 46000 भितरु 10000 पिलां को आगे नेबे फर्स्ट आउट 10000 पिलां को से माने सजे देले कैटेगरी वाइज एससी धरंतु अनरिजर्व रे अछि 4000 पोस्ट साइंस रे धरंतु 3000 अछि तो 3000 नेले एससी रे एतिक अछि ता तळ को एससी नेले तो ए टाइप रो कैटेगरी वाइज से माने 10000 पिलां को आगे नै गल एटा हला स्टेट अनुसार से माने मेरिट नै गले नै सला परे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हबो केमिति ना जे जोटा को फर्स्ट प्रेफरेंस देछि ताकू आगे सेटा को दिया जिवो से कम मार्क रखिथिले बि से जदि गुटे डिस्ट्रिक्ट को धरंतु मु बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पिला मु बालेश्वर को फर्स्ट प्रेफरेंस देछि मार्क मार्क अछि केते ना 150 बुझेला आउ गुटे पिलाटे एक्स गुटे पिला अछि से फर्स्ट प्रेफरेंस कोटिक देछि जाजपुर देछि तार मार्क अछि 145 मु जाजपुर को सेकंड प्रेफरेंस देछि हला धरंतु बालेश्वर कट ऑफ मु 150 रखिथिले बालेश्वर कट ऑफ 155 गला जाजपुर कट ऑफ 144 गला हला तो मु बालेश्वर हबनी मोर काहेकि ना मु 150 रखिछि तो बालेश्वर मोर हेलानी किंतु सेकंड मु जाजपुर देछि जाजपुर 144 मोर हे जीवा कथा किंतु आपणकर हबो जदि जाजपुर फर्स्ट रेफरेंस देथिबा पिला माने फिलअप हो जाइए तेल जाजपुर आपंकर हेनी ये 145 रखिता पिलार जाजपुर हो कहीं से जाजपुर को फास्ट रेफरेन्स बुझिपाले कि आपण मैंने भावे मोर धर जाजपुर भी हलानी मोर आउ कौटी हम ना हेनी देखो आपत जदि 20000 भितर आसी प्राइमेर 10000 अपर प्राइमेर 10000 भितर आसी आपण मानक जेहेतु 10000 ही से माने तल को खसी खसी जाए कि 30टा डिस्ट्रिक्ट गोटे डिस्ट्रिक्ट निहाती आपण गोटे सीट थी आपण मैंने पाइबे है जॉब सुनिश्चित जितेबले आपण मैंने स्टेट मेरिट अनुसार आसुचार आपण जॉब सुनिश्चित किंतु कौ डिस्ट्रिक्ट हम सेटा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन उपरे डिपेंड करे जी जोटा को फर्स्ट प्रेफरेंस देसी सेटिक आगे से पिला को भर्ती कर देबे से कम रखी था मार्क सीए जदि स्टेट मेरिट रो आसी छी से स्टेट मेरिट रो जदि आसी थिबो ताहाले से पाइबो आपण माने एटी गुटे जिंस कंक्लूजन कोन पाइले ना आगे आपण को स्टेट मेरिट भीतर आसीबा पई पड़िबो जो 10000 भीतर आसीबा पई पड़िबो तापर फर्स्ट प्रेफरेंस जोटी देइछन सेठी जदि हेइ जाउ छी भलो कथा जदि न होउ छी सेकंड थर्ड फोर्थ एमति 30 नंबर पर्यंत आपण मन को जीवो गुटे जगार तो फांका थिबो काईना ना 10000 पिलन को से माने नैछन आपण माने सेट भर्ती हेबे क्लियर एई जिंस एटीपी मेंशन अछि फॉलोड बाय मेरिट रैंक ए विषय मो डिटेल्स बुझि सठ छ आ बुझिबा पई चाहौनी तापर आपण मानकर इच्छा ऑलरेडी तो अप्लाई कर सारी बहुत पिला डिस्ट्रिक्ट भाविक नवरंगपुर अधिक अप्लाई हो जाए छाड़ आपण मैंने भी बुद्धिमतर पिला कहवापी ना तो कथ रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज देखो मुझे ऑलरेडी कही स्टेट मेरिट से माने काढ़े जोटा कि पब्लीश करेंगे ना मुझरेडी भिडियो कही सारी आगुरी किंतु ये जो स्टेट मेरिट रे आसीबा पिला माननकु से माने डिस्ट्रिक्ट वाइज सजेबे कहार को डिस्ट्रिक्ट हैला सजेबे सजे सल्ला परे आपण मानकर नेक्स्ट आसीबो देखंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसला परे से ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट मेन कथाला केते पिला माननकु नउचंती जदि से माने 1.5 गुण पिला को नउचंती बा 2 गुण पिला को नउचंती ताहाले आम पई बेटर रहिबो जदि से माने जतिक सीट से पिलामानको नहुचंती ताहाले आम पई प्रॉब्लम रहिबो कौन ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले बहुत पिला कटिबे काहेकि ना एनआईओएस पिला एलिजिबल नहो पाखापाखी 10000 पिला एनआईओएस रे अप्लाई करचंती ता सहित जो आपण माने 40000 देखुचंती ता भितर एनआईओएस 10000 ता सहित आरएसटी रे बहुत पिला पळाइचंती जो मानकर मार्क अछि से माने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कटिबे जीबेनी ता सहित
କେଭିରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ଯିବେନି। ତା ସହିତ ବହୁତ ପିଲା ଉଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଷ୍ଟ ମାରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ, ଏମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଟିଗଲା ପରେ ଯଦି 1x ନେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସିଟ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଢ଼ ଗୁଣା କି ଦୁଇ ଗୁଣା ସେମାନେ ନେଇଥିବେ, ଦୁଇ ଗୁଣା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଟିଗଲା ପରେ ବି 1x ପିଲା ରହିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିଷ, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ବି କି ଆମର ଦୁଇ ଗୁଣା ପିଲା ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିବା। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଇ ଗୁଣା ପିଲା ନେଉଛନ୍ତି ବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ବେଟର୍ ରହିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ ରହିଲା ତାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ। ଯେଉଁମାନେ କଟିଗଲେ, କଟିସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯଦି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 1700 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କଟିଗଲେ 300 ପିଲା ବା 200 ପିଲା କଟିଗଲେ, ଆଉ ରହିଲେ 1500 ପିଲା, ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1500 ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯାହାର ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦିଆଯିବ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟର କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 1x ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମର 1x ଅଧିକ ପିଲା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ପାଖାପାଖି 2x ନହେଲେ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି 1x ଗଲେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ଟାଇମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଥିବ, ସେଠି ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଏଠି ବି ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଡାକିବେ, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ପରେ ଡାକିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ରହିବ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ, ପାଇଗଲା ପରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। କି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ହେବ, କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି ବା ସ୍କିମାଟିକ୍ ଅଛି ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବି କାଢ଼ିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବା ଦରକାର, ଆବସେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଧରନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନେଇକି ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ ବି ବେଟର୍, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର, ହଁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିଲି, ଆଗେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ ବି ଭଲ, ନହେଲେ 2x ନେଇକି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ ହେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ପିଲା କଟିଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କାଢ଼ିବେ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ଆସିଲେ ସେମାନେ 100% ଜବ୍ରେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ, ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ର ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ରିଜିନ୍ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି।
ডকুমেন্ট কন দরকার আজি হি ভিডিও আসি যাব কো কো ডকুমেন্ট দরকার রিজেক্ট হবার কোন কোন কারণ রহিছি সে বিষয়ে ডিটেইলস আমি আজি ইভিনিং রে ডিসকাশন করিবা ভিডিও আপনমানক আসি যাব তো রহিলি নিহাতি যদি ভিডিওটি হেল্পফুল থিবো ভিডিওটি কো লাইক করিবে শেয়ার করিবে এবং আমার চ্যানেল সহিত জড়ি রহিবা পাই আমার চ্যানেলটি কো সাবস্ক্রাইব করিবে তো জানুয়ারি সুদ্ধা হ্যাঁ এতিক সব প্রসেস যা ইনফরমেশন মিলেছে আপনার জানুয়ারি সুদ্ধা আপনার সরবার সম্ভাবনা রয়েছে জানুয়ারি ভিতরে আপনার ওরিয়েন্টেসন হয়ে যাবার অ হোপ ফর বেস্ট সমস্ত জব করতু রহিলি পুনে দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে ধন্যবাদ।